मंजिल आपकी एक्टर बनना ही थी? नहीं सर, कभी भी नहीं। मैंने एक्चुअली मैं सिंगर बनना चाहता था। कपिल शर्मा के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स जिनको सुनने के बाद आप भी बोलोगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। सो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, कपिल शर्मा कभी भी एक कॉमेडियन, एंकर और एक्टर नहीं बनना चाहते थे। वे हमेशा से एक बहुत ही बड़े सिंगर बनना चाहते थे। फैक्ट नंबर 2, कपिल शर्मा मुंबई आने से पहले PCO और कपड़े की मेल में भी काम कर चुके थे। उन्होंने अपने शहर में सॉफ्ट ड्रिंक बेचने का भी काम किया था। ये सब कुछ उन्होंने पैसे कमाने के लिए किया था। फैक्ट नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले कपिल को द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन से रिजेक्ट कर दिया गया था। बाद में उन्हें कॉल कर वापस बुलाया गया और उन्होंने इस शो को जीत कर खुद को साबित किया। फैक्ट नंबर 4, लोगों ने पहली बार उन्हें लाफ्टर चैलेंज में जानना शुरू किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने सालों तक थिएटर में काम किया और कितने ही सालों तक संघर्ष किया ये किसी को नहीं मालूम। लोग समझते हैं कि वह रातों रात ही स्टार बन गए, पर असलियत में ये बात बिल्कुल झूठ है। फैक्ट नंबर 5, थिएटर के लिए उनका प्यार काफी पहले से था। उन्होंने अपनी एक्टिंग और कॉमेडी को अपना करियर बनाने की ठान ली। कपिल शर्मा ने अमृतसर में थिएटर ज्वाइन किया और बाद में दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने काफी शोज किए और लोगों द्वारा भी उन्हें काफी प्यार मिला। फैक्ट नंबर 6, कपिल शर्मा का कहना है कि कॉमेडी एक दुर्घटना के जैसी थी, लेकिन उनके लिए ये दुर्घटना भी एक अच्छी खबर बन गई। फैक्ट नंबर 7, कपिल जब अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा रहे थे, तभी वह सहयोग से द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीत गए। इससे मिली 10 लाख रुपए की इनामी राशि से उन्होंने धूमधाम से अपनी बहन की शादी कर ली। फैक्ट नंबर 8, कॉमेडी सर्कस के बाद कपिल शर्मा को अपना खुद का शो मिल गया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। छोटे पर्दे का ये सबसे बड़ा हिट शो था। इस शो में बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए आते थे और इसी शो से कपिल शर्मा को बहुत से लोग जानने लगे थे। फैक्ट नंबर 9, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की अपार सफलता के बाद कपिल शर्मा को बॉलीवुड में ऑफर आने लगी। उन्होंने इसे भी एक चुनौती की तरह ही लिया और किस किस को प्यार करूं कॉमेडी मसाला फिल्म को बनाकर बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर ली। फैक्ट नंबर 10, जिस चीज ने कपिल शर्मा को इतना बड़ा बना दिया वो था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। लेकिन शायद आपको पता ही होगा कि ये शो अब बंद हो चुका है और इसकी जगह द कपिल शर्मा शो शुरू हो चुका है। सो गाइस, क्या आप भी द कपिल शर्मा शो के फैन हैं? हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। सो गाइस, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।